नमस्ते सबको, मेरा प्रणाम। आज के वीडियो में हम ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट में क्या फ़र्क है इसके बारे में देखेंगे। इमेजिन करिए कि आप एक कक्षा में हैं और आप वहाँ नई भाषा सीखने के लिए गए हैं। आज कक्षा में टीचर ने आपको सामने बुलाया है आपसे सवाल पूछने के लिए। तो इस स्थिति में इमेजिन करिए कि आपको फिक्स्ड माइंडसेट है। इसका अर्थ ये है कि आप समझते हैं कि आपको ये भाषा आएगी या नहीं आएगी। तो आप सोचते हैं कि अगर आज जो भी सवाल टीचर आपसे पूछते हैं इसका सही जवाब नहीं दिया तो ये साबित हो जाएगा कि आपको ये भाषा नहीं आएगी। और ये सारे स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे हैं ये सब क्या सोचेंगे आपके बारे में? आपको इतना स्ट्रेस पैदा हो जाता है कि इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, टीचर आपको देख रहे हैं, और आप ये सोचने लग जाते हैं कि सवाल आसान होगा या नहीं, और मैं गलत कर दूंगा तो कैसे दिखूंगा सबके सामने। तो महसूस करिए कि कितना सारा स्ट्रेस एक सिंपल सिचुएशन में खुद के माइंडसेट ने पैदा कर दिया है। अब आप सोचिए, ये सेम स्थिति में टीचर ने आपको आगे बुलाया है पर आपको इस स्थिति में ग्रोथ माइंडसेट है। तब सोचिए आपका दिमाग कैसे चलेगा। आप सोचेंगे तो मैं तो यहाँ सीखने आया हूँ, गलतियाँ करना तो स्वाभाविक है क्योंकि मुझे ये भाषा आती नहीं है, पर मैं यहाँ सीखने आया हूँ तो अगर सवाल कठिन भी होंगे तो अच्छा ही है मेरे लिए क्योंकि वो मेरी जिज्ञासा को और बढ़ाएगी। तब आपको कोई स्ट्रेस महसूस नहीं होता है और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सीखने में और पढ़ाई में रहती है। तो इस अभियान से हमें ये समझ आता है कि हम चाहें तो कभी भी हमारा माइंडसेट को हम बदल सकते हैं अपना लगन और मेहनत से। और हमने ये भी देखा कि फिक्स्ड माइंडसेट रखने से हमें बहुत स्ट्रेस पैदा होता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अपनी माइंडसेट के बारे में और समझना है तो आप माइंडसेट क्विज ज़रूर लीजिए जो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, और अपना स्कोर निकालिए तो आपको आज के दिन में आपकी माइंडसेट कैसा है इसका पता लग जाएगा। और आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ। आप सोचिए, आपकी ज़िंदगी में बचपन से आपने इतने सारे लोगों को देखा होगा, तो आप सोचिए उनमें कौन सा एक इंसान ऐसा है जिसके बहुत सारा फिक्स्ड माइंडसेट है। ये आप खुद भी हो सकते हैं। आप सोचिए उस इंसान कितना सारा स्ट्रेस लेते हैं छोटे छोटे गलतियों पर भी, और वो गलतियाँ करने से कितना डरते हैं, और नए चीज़ों ट्राई करने से कितना डरते हैं, और कितना सोचते रहते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। और आप एक ऐसे इंसान के बारे में भी सोचिए जिनको आपने अपने आंखों के सामने बिल्कुल किसी टैलेंट, जब बिल्कुल उनकी नहीं थी पर आज के दिन में वो उसमें एक्सपर्ट बन गए हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी ग्रोथ माइंडसेट की वजह से। वो बार बार क्वेश्चंस पूछे, इतने बार ट्राई किया, जब उनको उनसे बिल्कुल हो भी नहीं रहा था तब भी उन्होंने बहुत मेहनत की, पर आज वो उस फील्ड में एक्सपर्ट बन गए हैं। इन दोनों लोगों के बारे में आप सोचिए और आप सोचिए इन दोनों में क्या क्या फ़र्क है और इन दोनों के लाइफस्टाइल में कितना स्ट्रेस है। तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि माइंडसेट अपना ग्रोथ माइंडसेट में रखने से क्या क्या फायदा हो सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।